फ्रेंड्स, तो आज मैं लेकर आई हूँ साबूदाना खिचड़ी रेसिपी, जो बहुत ही बेस्ट ऑप्शन है व्रत के लिए, फास्टिंग के लिए, और ऐसे भी आप कभी भी बना सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिया है 250 ग्राम साबूदाना बड़े साइज़ का। आप चाहे तो छोटे साइज़ का बना सकते हैं, लेकिन बड़े साइज़ वाला साबूदाना खिचड़ी बहुत खिला खिला बनता है। तो इसके लिए मैंने क्या किया है, जितना साबूदाना था उतना ही पानी मैंने इसमें रखा था, और पानी को मैंने 3 से 4 घंटे रखे तो ये सूख लिया था। और इसके लिए मैंने लिया है ये 4 से 5 आलू, जिसको मैंने पतले पतले इस साइज में काटा है अब, और इसको मैं अच्छे से गोल्डन फ्राई करूँगी, और आप चाहे तो बॉयल आलू भी ले सकते हैं। और मैंने लिया है यहाँ पे 1 कप रोस्टेड बादाम, जिसे मैंने दरदरा कर दिया है, और यहाँ पे मैंने लिया है 1 टेबल स्पून अदरक बारीक, मैंने इसे चॉप किया है, और यहाँ मैंने लिया है 7 से 8 मैंने ग्रीन चिली, जिसे मैंने कुछ बारीक कटा है, कुछ बड़े बड़े पीसेस मैंने रखा है। घर में छोटा बच्चा हो तो इसे रखना चाहिए, तो आसानी से निकाल सकते हैं। और मैंने यहाँ पे लिया है सेंधा नमक। हाँ जी, आप चाहे तो वाइट नमक भी ले सकते हैं, लेकिन व्रत के लिए मैंने लिया है सेंधा नमक। और ये लिया है मैंने 10 से 15 करी लीफ और हरा धनिया। तो चलिए अब इसे हम बनाते हैं। Okay.